नमस्कार, भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि अभी पश्चिमी विक्षोभ ने, जिसका पूर्वानुमान पिछले 5 से 7 दिनों से भारत मौसम विज्ञान विभाग करता आया है कि उसने एक रेनफॉल एक्टिविटी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान पर दी कल, तो इसके अभी आगे भी 3 दिनों तक जारी रहने की संभावना है, क्योंकि ये पश्चिमी विक्षोभ काफी धीमी गति से पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है। और इसके अलावा यदि हम उष्ण लहर की बात करें तो जो पूर्वी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर जो उष्ण लहर चल रही है, इस उष्ण लहर के अगले अभी 5 दिनों तक इसके जारी रहने की इन क्षेत्रों पर संभावना रहेगी। और इसके पश्चात हम एक पूर्वोत्तर भारत पर एक हम भारी वर्षा का एक दूसरा दौर हम यहां पर उसकी अपेक्षा कर रहे हैं 28 तारीख से लेकर के, जिसके 28 अप्रैल से 2 मई तक चलने की संभावना है। तो यदि हम ऑब्जर्व वेदर की बात करें तो सीवियर हीट वेव कंडीशंस हमें प्राप्त हुई हैं उड़ीसा और गंगेय पश्चिम बंगाल पर, जिसमें कि हीट वेव कंडीशंस हमें लगभग सभी स्थानों पर गंगेय पश्चिम बंगाल के और उत्तरी उड़ीसा के हमें प्राप्त हुई है, और साथ ही साथ पूर्वी बिहार के भी लगभग कई स्थानों से लेकर सभी स्थानों पर हमें हीट वेव कंडीशंस प्राप्त हुई। और इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल तथा झारखंड पर भी हमें हीट वेव कंडीशंस प्राप्त हुई हैं, और इसके अलावा आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और केरल पर भी हीट वेव कंडीशंस प्राप्त हुई हैं, जहां पर कि केरल के पलक्कड़ जिले में हीट वेव कंडीशन प्राप्त हुई है। तो जैसा कि हीट वेव कंडीशंस हम उस स्थिति को कहते हैं जबकि हमारे जो अधिकतम तापमान है वो तटीय क्षेत्रों में 37 डिग्री से ज्यादा चले जाएं और आंतरिक भूभाग में वो 40 डिग्री से अधिक चले जाएं, और उनका जो सामान्य दीर्घकालिक औसत से जो उनका विचलन है वो 4.5 डिग्री से ज्यादा हो जाए, तब वो भारत मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वो स्टेशन, वो स्थान हीट वेव कंडीशंस अर्थात उष्ण लहर की स्थिति में आ जाता है। और इसके साथ-साथ जब वो तापमान का विचलन जो है वो अपने सामान्य औसत से जब 6.5 डिग्री से ज्यादा चला जाता है तब वो गंभीर हीट वेव, गंभीर उष्ण लहर अथवा सीवियर हीट वेव कंडीशंस में आता है। तो जैसा कि हम यहां देख सकते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर्स का जो अधिकतम विचलन, ये जो दूसरा चित्र है ये विचलन का चित्र है, मैक्सिमम टेम्परेचर डिपार्चर का चित्र है अपने दीर्घकालिक औसत से। और यहां पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से लाल और गहरा लाल रंग हमें गंगेय पश्चिम बंगाल, पूर्वी बिहार, उत्तर पूर्वी झारखंड के क्षेत्रों पर दिखाई दे रहा है, और यहां पर जो यही वो एरिया है जहां पर हमें सर्वाधिक हीट वेव कंडीशंस देखने को मिल रही है। और इसके अलावा उड़ीसा और साथ में आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों पर हीट वेव देखने को मिल रही है। तो अगले 5 दिनों की यदि चर्चा करें तो ये हीट वेव कंडीशंस हमें इन क्षेत्रों पर लाल कलर के साथ, रेड कलर्ड वार्निंग के साथ हम उड़ीसा और गंगेय पश्चिम बंगाल पर दे रहे हैं, और साथ ही साथ ऑरेंज कलर वार्निंग के साथ हम हीट वेव कंडीशन अगले 5 दिनों के लिए बिहार, विशेषतः पूर्वी बिहार और झारखंड, विशेषतः पूर्वी झारखंड और आंतरिक कर्नाटक और रायल सीमा पर अगले 5 दिनों के लिए ऑरेंज कलर के साथ दे रहे हैं। और साथ ही साथ येलो कलर के साथ हीट वेव कंडीशंस हम हमारे जो केरल है और तमिलनाडु पर हम अगले 5 दिन तक दे रहे हैं, और इसके अलावा कोंकण पर हम अगले 3 दिन तक, विशेषतः नॉर्थ कोंकण जो रायगढ़ और थाने का एरिया है वहां पर हम हीट वेव कंडीशंस की यहाँ पर हम आशंका व्यक्त कर रहे हैं। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पर भी हीट वेव कंडीशंस कल से आने की संभावना रहेगी, क्योंकि यदि हम देखें तो कल जो बहराइच का तापमान था वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जा चुका है, तो अब इसके हीट वेव कंडीशन में कल से आने की संभावना को देखते हुए अगले ये 28 तारीख से 30 तारीख तक पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे संलग्न जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है वहां पर हीट वेव कंडीशंस की हमें संभावना दिखाई दे रही है। अब यदि हम हॉट एंड ह्यूमिड वेदर की बात करें तो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर हमें कोस्टल आंध्र प्रदेश पर और इसके अलावा कोस्टल कर्नाटका पर और साथ ही साथ हमें उत्तर प्रदेश पर इस हॉट एंड ह्यूमिड वेदर कंडीशन हमें देखने को अगले 5 दिन तक मिलेगी। उसके पश्चात हम जैसे पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा दिए गए वेदर पर आए, जो कि कल हमें
हिल स्टॉर्म एक्टिविटी, ओलावृष्टि हमें प्राप्त हुई चरखी दादरी हिसार और नारनौल पर हरियाणा के, साथ ही साथ हमें 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की वायु झोंके हमें गस्टी विंड्स मिली दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में। तो ये हमें जो गतिविधि है ये इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मिली, जो कि आज हमें मध्य अफगानिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों पर एक चक्रीय परिसंचरण के रूप में, और साथ ही साथ इसमें एक अल्प दबाव की रेखा भी है जो लगभग 64 डिग्री देशांतर के समानांतर और 25 डिग्री अक्षांश के उत्तर में स्थित है, और इसके साथ साथ हमें एक चक्रीय परिसंचरण भी है जो कि उत्तरी हरियाणा और उसके आसपास के क्षेत्रों पर अवस्थित है निम्न क्षोभ मंडल में। तो इनकी परस्पर अंतःक्रिया के कारण, और जैसा कि अभी हमारे न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स का जो हमारे सांख्यिकीय पूर्वानुमान मॉडल्स हैं उनका जो अनुमान है कि ये पश्चिमी विक्षोभ बहुत धीमी गति से ये पूर्व दिशा की ओर बढ़ेगा अगले दो दिनों में, और इसके कारण ये अभी वर्षा की गतिविधि जारी रखेगा जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश पर, और इसके कारण वाइड स्प्रेड अर्थात सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अगले तीन दिन तक मिलेगी, और साथ ही साथ यहाँ पर भारी वर्षा भी हमें जम्मू कश्मीर पर अगले तीन दिनों तक प्राप्त हो सकती है छिटपुट स्थानों पर, और साथ ही साथ भारी वर्षा हमें हिमाचल प्रदेश पर 29 तारीख को प्राप्त हो सकती है, और इसके अलावा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी पंजाब और हरियाणा पर अगले तीन दिनों तक रहने की यहां पर संभावना है, और साथ ही साथ पंजाब पर हमें अगले तीन दिनों तक यहां पर एक दो स्थानों पर हमें हेल स्टॉर्म एक्टिविटी भी ओले गिरने की भी यहां पर संभावना रहेगी, और साथ ही साथ हमें पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश पर आज हमें एक आध स्थानों पर हमें थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी होने की भी संभावना रहेगी। तो ये हमारा जो वेदर एक्टिविटी पश्चिमोत्तर भारत पर है उसके बारे में बात होगी। इसके पश्चात यदि हम बात करें तो मध्य भारत की बात करें तो जैसा कि हेल स्टॉर्म एक्टिविटी पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश पर दर्ज की गई है, तो इसके अभी पूर्वी मध्य प्रदेश पर अगले 48 घंटे और पश्चिमी मध्य प्रदेश पर अगले 24 घंटे इसके जारी रहने की संभावना रहेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश के बैतूल और छिंदवाड़ा जैसे जिलों पर, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के बैतूल और छिंदवाड़ा जिलों पर, और साथ साथ उसके आसपास के क्षेत्रों पर, छत्तीसगढ़ पर भी हमें थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग गस्टी विंड, और इसके अलावा विदर्भ पर भी विशेषतः उत्तरी विदर्भ नागपुर और उसके उत्तर में हमें छिटपुट स्थानों पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी प्राप्त होने की संभावना अगले 48 घंटे तक रहेगी। उसके पश्चात यदि हम बात करें तो ये हमारा पश्चिमोत्तर भारत, मध्य भारत और साथ ही साथ पूर्वी और प्रायद्वीपीय भारत का के मौसम की चर्चा यहां पर हो गई। अब यदि हम बात करें पूर्वोत्तर भारत की तो जैसा कि हमने हाइलाइट्स में देखा कि हमें दक्षिणी पूर्वी हवाओं, बंगाल की खाड़ी से आने वाली स्ट्रांग मजबूत दक्षिणी पूर्वी हवाओं के कारण हमें 28 अप्रैल से लेकर 2 मई तक हमें काफी वर्षा और साथ में साथ थंडर स्क्वैल एक्टिविटी अर्थात झोंके भरी हवाएं, तेज हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं के मिलने की संभावना हमें 29, 30 और 1 तारीख को पूर्वोत्तर भारत पर रहेगी, जिसमें हमें हल्की से मध्यम वर्षा सभी स्थानों पर अरुणाचल प्रदेश और असम मेघालय की मिल सकती है 28 अप्रैल से लेकर 2 मई तक, और इसमें भारी वर्षा हमें इस पूरे अवधि में 28 अप्रैल से 2 मई तक मिल सकती है, जिसमें 30 अप्रैल और 1 मई को हमें अरुणाचल प्रदेश पर भारी से अति भारी वर्षा अर्थात 11 सेंटीमीटर से ऊपर की वर्षा भी प्राप्त हो सकती है, और 1 मई को यह वर्षा लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर तक भी प्राप्त हो सकती है। तो ये जो वेदर एक्टिविटी पूर्वोत्तर भारत पर रहेगी इससे इसके प्रति काफी सतर्क रहने की आवश्यकता 28 अप्रैल से 2 मई के बीच में है, और साथ ही साथ यहां पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और उसके साथ में ओलावृष्टि की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता 28 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।